आज ही डाउनलोड करें। पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप हमें क्वेश्चन दिया हुआ ऑफ 18 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन 18 वॉल्यूम जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है उसका हमें क्या करना है बेसिकली स्ट्रेंथ फाइंड करना है राइट ठीक है तो सबसे पहले जब मेरा H2O2 जो है ये डीकंपोज करता है तो किस में डीकंपोज करता है वाटर और ऑक्सीजन गैस में ठीक है बैलेंसड इक्वेशन की बात करते हैं तो मेरा इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया राइट ठीक है अब यहाँ पे दो मोल H2O2 से क्या निकल रहा है 1 मोल ऑक्सीजन निकल रहा है राइट ठीक है दैट मींस कि 2 मोल का मतलब क्या है कि मास ऑफ 1 मोल H2O2

तो अब डेफिनेशन से मेरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है 18 वॉल्यूम तो 18 वॉल्यूम का मतलब है कि 1 लीटर ऑफ H2O2 गिव्स 18 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस ठीक है 18 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मतलब तो यही है राइट ठीक है तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आप कि 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एसटीपी पे मिल रहा है तो वन लीटर ऑफ ऑक्सीजन के लिए मेरा कितना मोल चाहिए कितना या मास चाहिए? तो two into 34 divided by gram of H2O2. ठीक है, है। right? और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो इसको कैलकुलेट करने पे यहाँ पे क्या आएगा तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा थ्री पॉइंट जीरो थ्री सिक्स राइट ग्राम और थ्री पॉइंट जीरो थ्री सिक्स ग्राम है तो ये एक लीटर ऑक्सीजन का है अब हमें क्या मिल रहा है एक लीटर एच टू टू से एटीन लीटर ठीक है तो एटीन लीटर ऑफ ओ टू मेरे को कितना एच टू ओ टू लगेगा तो थ्री पॉइंट जीरो थ्री सिक्स इंटू एटीन ग्राम दटेजी इसको कैलकुलेट करने पे क्या आता है फिफ्टी फोर पॉइंट सिक्स फोर ग्राम राइट फिफ्टी फोर पॉइंट सिक्स फोर ग्राम ठीक है ये आ गया तो स्ट्रेंथ अगर फाइंड करना है राइट right? तो स्ट्रेंथ ऑफ एस टू ओ टू इन इज जो स्ट्रेंथ होगा एस टी टू का एटीन वॉल्यूम हो, क्या होगा फिफ्टी फोर पॉइंट सिक्स फोर ग्राम क्या है कितने लीटर में एटीन लीटर ओ टू में और एटीन लीटर ओ टू के लिए हमें कितना एस टू ओ टू लगा है? तो इसके लिए हमें

आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर